नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद वसीम भोपाल से आपके सामने थोड़े से अपने ख्यालात पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप ट्विटर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हम लोगों तक यहाँ मदद पहुँचा रहे हैं। बहुत से लोग जो यहाँ पर ज़रूरतमंद हैं, जिनके घरों में राशन नहीं है, तो उन लोगों तक राशन पहुँचाना ही मेरी इस समय पर जो है वो प्राथमिकता है। और ख्याल मुझे इन चीज़ का इसलिए आया कि मैंने यहाँ जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों को देखा, बहुत परेशान थे लोग, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास रहने को नहीं था जो मजदूर थे। तो धीरे धीरे मैंने शुरुआत करी, पहले थोड़ा पका हुआ खाना दिया, फिर धीरे धीरे जब लोग बढ़ते गए, लोगों की परेशानियाँ सामने ज़्यादा आने लगी, तो मैंने हर घर में जो भी ज़रूरत के हैं उनको राशन पहुँचाना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 600 से ज़्यादा परिवारों को राशन पहुँचाया जा चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सामने आएँ, लोगों की मदद करें, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, मिलने वालों में। कोई भी इंसान, कोई भी परिवार भूखा ना सोए। दोस्तों, दो दिन बाद ईद है, मैं आप सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ईद में कोई भी ख़रीदारी ना करें और उस पैसे को ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगाएं। इतना ही दोस्तों आपके लिए रहेगा, बाकी ईद की फिर से आपको मुबारकबाद। सभी लोग अपने घर में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।